आज आप धन्वंतरी के डायमंड हो और आपके ही फार्मिंग में हम आज खड़े हैं। आज तो मैं आज ने आरपीएस 76 का वापर किया है। आज मैं जब अपने खेत में घूम रहा था बराबर, तो जैसे ऐसे पैर फंस रहे थे, हाँ, और जैसे पैर बाहर निकाल रहा हूँ तो केचुओं की संख्या बहुत ज्यादा संख्या में हो चुकी है। तो इसमें इस्तेमाल काय का किया था आपने सर? इसमें इस्तेमाल अपना आरपीएच 76 ग्रैनुल्स डाला था, उसके बाद राइजोरिच डाला था, आरपीएच 76 लिक्विड की बीच प्रक्रिया की थी, लिक्विड बीच ट्रीटमेंट और आरपीएच 76 की। तो ये टोटल ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जो सोयाबीन का पीक है आपका ऑर्गेनिक है पूरा। टोटल ऑर्गेनिक है। तो आप दिखा सकते हैं जी, फलिया भी इसको शानदार लगी है जी, और ग्रोथ भी बहुत शानदार हुई है सर इसकी, और आपको तो धन्वंतरी पे तो कोई अभी सवाल ही नहीं रहा होगा। नहीं अभी कोई आप गांडोळ दिखा सकते हो जी, गांडोळों की संख्या बहुत ज्यादा में बन चुकी है खेत में, और फ्लावरिंग स्टेज में भी बहुत अच्छे फ्लावर लगे हैं जी, ये देख सकते हैं आप, जबकि मेरे पैर दिखा सकते हो आप कितने फंस रहे हैं। मतलब जमीन भी भूसभूषित हो गई है, जमीन भी बहुत नरम बन चुकी है, और ये पानी दिख रहा है यहाँ पर, पैर निकाला वहां पर। तो धन्वंतरी का आपको बहुत ही ये है, आप देख सकते हैं बराबर, जो केचुओं की संख्या बहुत ज्यादा तादाद में इसमें जमीन में लगी है। क्या बात, मेरे पैर आप देख सकते हो कितने फंस रहे हैं, जैसे मैं पैर निकाल रहा हूँ तो गांडों की संख्या बढ़ रही है, ज्यादा ज्यादा दिखाई दे रही है। तो जय धन्वंतरी, जय धन्वंतरी, जय धन्वंतरी। अरे क्या